गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, वेलकम अगेन। आई एम सपना सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इट इज योर रिविजन टाइम। नाउ वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्टली, व्हाट इज द फेडरलिज्म? फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड between a central authority and a various constituent units of the country. Federalism means जहाँ पे power को share कर दिया जाता है, power को divide कर दिया गया है central में और states में, जिससे proper way में हर area का develop किया जा सकते से और किसी पे कोई burden ना पड़े। And features of federalism, our country, हमारी country कैसी है? Federal country है, बिकॉज हमारी इंडिया में भी पावर को शेयर कर दिया गया है सेंट्रल में, स्टेट में, और स्टेट की पावर को लोकल गवर्नमेंट में। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट होती हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच गवर्नमेंट हैव पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। सब सेम सिटीजन में भी तो पावर का यूज करती है, सेम सिटीजन पे वो लोग क्या कहते हैं, रूल करते हैं, लेकिन सबकी जो पावर है वो अपने इंडिपेंडेंटली वो यूज करते हैं, वो जो गवर्न सेम सिटीजन को करते हैं। लाइक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है इस टाइम, कैसे बीजेपी की है और उसका पूरी कंट्री पे रूल चल रहा है, पूरी गवर्न कर रही है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस टाइम वो भी बीजेपी की है। बाय द वे, अगर वो भाजपा सपा या बसपा की होती तो वो अपना वर्क करती और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना वर्क करती। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड द ज्यूडिशरी प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। जो जुडिशरी का क्या काम है, अगर कभी भी सेंट्रल या रीजनल गवर्नमेंट के बीच कोई भी कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको कौन सॉल्व करती है? जुडिशरी करती है। एंड द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी पावर को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, जो फाइनेंशियल उनकी जहां से उनको फाइनेंशियल जो उनको पैसा मिलेगा वो किस तरह मिलेगा, सबको इक्वली डिवाइड करा गया है। कोई किसी के भी वर्क में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ना काइंड ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर। फर्स्टली कमिंग टूगेदर, कमिंग टूगेदर फेडरेशन द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जहां पे बहुत सारे जो कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री है वो, उन्होंने एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बना ली। लाइक यूएसए, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक बड़ी यूनिट बना लिया, उसको क्या कहा गया है, कमिंग टूगेदर फेडरेशन। कैसी होती है? एंड सेकेंड है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कमिंग टूगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट है होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी और प्रॉपरली हर एरिया का डेवलपमेंट चाहिए था, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज थी उन्होंने क्या करा, अपनी जो पावर थी उसको शेयर कर दिया। ऐसे में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी इंडिया, उसके बाद बेल्जियम जो हम फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हैं, एंड नेक्स्ट स्पेन। इन्होंने अपनी पावर को शेयर कर दिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। नाउ व्हाट मेक्स अ फेडरल कंट्री? द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है, जो गवर्नमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, सेंट्रल और स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, फुली पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, एंड द स्टेट जो अपने एरिया को, स्टेट को। एंड लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। अब उसमें थर्ड को बाद में एड करा गया, उसको क्या कहा गया, उसको थर्ड जो एड करा गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी यानी लोकल गवर्नमेंट। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद इन थ्री लिस्ट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो इनकी पावर्स थी उनको थ्री लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए और किसी को भी ये ना हो कि उसका क्या वर्क है। फर्स्टली यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट द नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें जो नेशनल लेवल के रेलवे से रिलेटेड अदर जो
स्पोर्ट्स रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड कर दे. स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इनसे रिलेटेड जो था वो स्टेट लिस्ट में ऐड कर दिए गए. काफी सारे इसमें सब्जेक्ट्स है. एंड नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. ये जो थर्ड लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट, इसमें वो ऐसे सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं जिसपे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही वर्क करते हैं एंड दोनों का ही सेम वर्क है, दोनों ही अपने अकॉर्डिंग इसमें वर्क करते हैं. एंड नेक्स्ट है रेसिडुअरी सब्जेक्ट. ये जो लिस्ट थी ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ऐड की गई है. दिस सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट और एनी अदर मैटर दैट अराइज विद पैसेज ऑफ टाइम. जब ये बनाई गई थी लिस्ट, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उस टाइम में जो ऐसे सब्जेक्ट बचे थे जो इन तीनों ही लिस्ट में नहीं थे, उन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट में ऐड किया गया. लाइक जो आप कंप्यूटर हो गया या ई कनेक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट में ऐड किए गए. नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक.